आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार सभी लोगों को राधे राधे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे शुरुआत करेंगे आज की क्लास का लेकिन उसके पहले पांच मिनट आप सभी से बात करना चाहता था और जिसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले से ही मैसेज आप लोगों को डाल दिया था कि प्लीज पाँच मिनट के लिए जैसे अभी जो बच्चे देखने आते हैं वो बेसिकली जो सी पी ओ स्टेन या मेन्स की तैयारी कर रहे हैं लेकिन मैंने उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की अगर अभी तैयारी कर रहे हैं या आगे आप करेंगे या 2024 के लिए आप देख रहे हैं लेकिन एक बार आ करके मेरी बात को ज़रूर सुनिएगा क्योंकि देखिए मेरे लिए ना आप सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और हमेशा से मैंने सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे से हो सका है मैंने वो चीज़ हमेशा करी है तो वो देखिए क्या चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था अभी और एक बार फिर से मतलब मैंने आप सभी लोगों के लिए जैसा कि ये आप देख रहे हो एक ये पूरा कोर्स जो है एक तो मैंने कंप्लीट कोर्स सारे स्टूडेंट को दे रखा है एक एक करके मैं सारी चीजें आप लोगों से पहले बता देना चाहूँगा कि जैसे जो भी स्टूडेंट शुरुआत से एक फाउंडेशन कोर्स पढ़ना चाहता है तो फाउंडेशन कोर्स को लेकर के एक पैसे की भी दिक्कत आती है और कहीं कहीं बच्चा पैसा लगा देता है और अगर पढ़ता है तो संतुष्ट नहीं होता है तो उसके बाद उसका टाइम भी किल होता है तो टाइम और पैसा दोनों चीजें जाती है तो इन दोनों चीजों को बचाने के लिए मैंने सारे स्टूडेंट की मदद करने के लिए एक फ्री ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर बैच अपने यूट्यूब के ऊपर चलाए तो ये मेरी एक तरफ से मदद थी बच्चों के लिए ठीक है दूसरी चीज़ ये है कि लड़कों को बहुत सारी चीज़ों को लेकर के और प्रॉब्लम्स हैं जैसे कंटेंट पी डी एफ एंड ऑल ये सारी चीज़ों को लेकर के एक जबरदस्त आपके लिए मैं ऑफ़र भी लेकर के आ रहा हूँ जहाँ पर इसकी भी समस्या आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी ना तो कोर्स की समस्या रहेगी ना बुक की समस्या रहेगी और ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हैं तो एक्चुअली बस बात इतनी सी करनी थी आप लोगों से जब मैंने ये डिसीजन लिया था कि सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने को लेकर के जब मैंने जो मैं प्रीवियस कंपनी में काम करता था वहाँ पे मैंने छोड़ा और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना करना शुरू किया और जहाँ जहाँ कंपनी से मेरे पास ऑफ़र आए मैंने किसी को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरी एक सिंपल सी शर्त थी मैं अपने चैनल को चलाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं उनकी उम्मीदें भी हैं और स्टूडेंट्स अपने जुड़ भी रहे हैं कहीं ना कहीं मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आकर के फ्री कोर्सेज नहीं दे सकता वहाँ पे आप मेरे से कोर्सेज वगैरह लॉन्च करवाओगे अगर करवाओ अफोर्डेबल प्राइस में हो तो चलेगा अदरवाइज आप महंगा करेंगे तो हम नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैं अपने यहाँ कोर्स कोई लॉन्च करूंगा तो वो मैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में कर सकता हूँ तीन सौ सौ जिसमें हर बच्चा पढ़ सकता है आराम से इन फ्यूचर तो उसकी वजह से मैंने किसी प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन नहीं किया तो अब मुद्दा ये है ना कि कई सारे लोग मुझसे ये बोलते हैं कि ये तुम अपनी लाइफ के साथ सही नहीं कर रहे हो ये तुमने डिसीजन सही नहीं लिया तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें ये करना चाहिए लेकिन कहीं ना कहीं जब मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ मैं अगर अपने बारे में सोचने पर आ जाऊँ तो मैं खुद गिल्ट से मतलब सफोकेशन होने लगती है ना एक सेल्फ गिल्ट होता है तो मुझे लगता है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ मैं तो बदलाव करने के लिए निकला था मैं तो फ्री एजुकेशन के लिए निकला था मैं तो अफोर्डेबल प्राइस में सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता था जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट कमेंट में कभी उल्टा सीधा भी बोल के चले जाते हैं कुछ और लोग बोलते हैं बाकी जो समाज में लोग हैं मैंने एक दो टीचर से पता है अप्रोच करने की कोशिश करी थी मैंने कहा था कि सर बच्चों को ना कम पैसे में पढ़ाते हैं फ्री में पढ़ाते हैं तो उन लोगों ने मना कर दिया और मना करने के साथ साथ मुझे ये हिदायत भी दी कि सर आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए अपनी भी चीजें देखनी होती है अपने भी खर्चे हैं एंड ऑल तो बस इतना बोलना चाहूंगा एक सपोर्ट मांग मांग रहा हूं मैं आप सभी लोगों से कि मैं कभी गलत ना साबित हूँ ठीक है और मुझे इस चीज़ का मलाल नहीं है आप सभी लोगों का इतना सपोर्ट मिले ना जितने लोग ये कहते हैं कि सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है पहले अपना देखना चाहिए बाद में दूसरों का देखना चाहिए ये सारी चीजें आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है इतना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा ना कभी किसी चीज़ की कमी ही ना हो ना मेरे पढ़ाने में और किसी भी चीज़ में ना हो ठीक है पैसे को लेकर के तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है बस मैं चाहता हूँ जो लोगों का एक थाट प्रोसेस बन गया है कि पैसा लेना स्टूडेंट को कस्टमर समझना शायद हम इस चीज़ को बदल पाए अभी लोगों को ये चीज़ नहीं दिखेगा लेकिन आफ्टर लॉन्ग पीरियड या थोड़ा सा इतना भी लंबा समय ना हो थोड़े कम टाइम बाद भी हो सकता है आप लोगों का सपोर्ट रहा प्यार था तो दिखने लगेगा ठीक है तो हम लोग इसी तरीके से काम करेंगे हमेशा काम करेंगे क्योंकि जैसे होता ना कि लोग चाहे फैमिली के लोग हों चाहे आसपास के लोग हों चाहे आपके कलीग हों जो टीचर हों जो आप लोगों के साथ काम किया ठीक है कहीं से ऑफर आ रहा है इतने लाख रुपए का तुम नहीं जा रहे हो तुमने छोड़ दिया ये तुम्हें क्या लग रहा है तुम सही करो बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है लेकिन आज भी मैं कल भी आज भी और भविष्य में भी मैं स्टूडेंट्स के साथ ही इसी तरीके से लग के खड़ा रहूंगा इसी तरीके से टिक के खड़ा रहूँगा पैसा मुझे नहीं हिला सकता और ये बात आप और प्रभु दोनों लोग सुन रहे हैं और कभी ऐसा होगा तो हमेशा मतलब एक चीज के लिए मैं प्रण लेता हूं कि मैं जब भी कोई काम करूंगा वो स्टूडेंट के फेवर में करूंगा सिंपल जहां सिर्फ मेरा फायदा होगा मुझे लगेगा स्टूडेंट को लूटा जा रहा है कसम खा रहा हूं विद्या माता की हमारे यहां बहुत चलता है ठीक है कसम खा रहा हूं मैं कभी भी वो काम नहीं करूंगा जैसे अगर मुझे लग रहा है कि मुझे दस लाख रुपए मिल रहे हैं सैलरी के रूप में कहीं पे भी और ढाई हजार का कोर्स बेचना है कसम खा के कह रहा हूं महादेव की ठीक है मैं वो सैलरी छोड़ दूंगा मुझे दस लाख महीना नहीं चाहिए लेकिन ढाई हजार का कोर्स नहीं बेचूंगा कभी भी दो हजार का कोर्स नहीं बेचूंगा कभी भी क्योंकि वो बच्चों को देने में दिक्कत होती है कुछ लोग दे सकते हैं बहुत लोगों को दिक्कत होती है हमारा हमेशा अफोर्डेबल प्राइस ही रहेगा पक्की बात है हज़ार रुपये के नीचे हर बच्चा दे सकता है पढ़ने वाला स्टूडेंट है चार सौ पाँच सौ छः सौ हर बच्चा दे सकता है वो हम भविष्य में कर लेंगे तो मेरा ये है जब मैं साथ दे रहा हूँ तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग भी दिल से साथ देना ठीक है और हमेशा सपोर्ट अपना बनाए रखना जहाँ पे भी मतलब इस चैनल के ऊपर अपना टेलीग्राम हर चीज़ जो है वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लो सब्सक्राइब कर लो तो हम लोग इसी तरीके से चलेंगे ठीक है चलिए शुरुआत करेंगे भाई आज की क्लास का बस यही बात आपसे कहनी थी बड़ा मन भारी हो गया था मेरा लोगों का सुन सुन करके सुन सुन करके तो बस आपसे सपोर्ट की ही नीड है मुझे और उससे ज्यादा कुछ नहीं ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए सिर्फ चाहिए तो सपोर्ट चाहिए दैट्स इट तो चलिए शुरू करेंगे भाई आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है एक बार सेशन को लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिए जल्दी से देखिए क्वेश्चन में क्या है आपके सामने दो कॉलम दिख रहे होंगे कॉलम ए कॉलम बी अब उसमें आपको क्या करना है कि जैसे हम लोग जब सिक्स क्लास या एट्थ क्लास में पढ़ते थे तो हमको कॉलम हिंदी में भी इंग्लिश में भी मिलाने के लिए आता था ठीक है अब यहाँ पे जैसे लिखा है लुक इंटू तो लुक इंटू का मतलब क्या होता है लुक इंटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना यानी छानबीन छानबीन करना ठीक है अगर मैं लुक अप टू की बात करता हूँ तो देखिए लुक अप टू लुक अप टू का मतलब होता है किसी को अडमायर करना किसी का रिस्पेक्ट करना किसी को अडोर करना यानी किसी को अप्रिसिएट करना ये चीज़ होती है तारीफ करना किसी को और अगर मैं एक चीज़ और बताना चाहूंगा यहाँ पे सिर्फ आप लोग ना नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट करके ये लिखना है कि ये जो लुकअप होता है एक वर्ड आपने देखा होगा दैट इज़ लुकअप देखिए लुकअप का मतलब दो होता है एक मीनिंग इसकी होती है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना इम्प्रूव करना और यू कैन से मेक बेटर मेक बेटर या बिकम बेटर ये हो सकता है और एक लुकअप का मतलब होता है टू फाइंड यानी ढूंढना पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन राइट तो एक्चुअली यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता था स्टूडेंट्स के लिए इस वजह से मैंने ये चीज बता दी ठीक है वो चीज ये थी कि ये जो लुकअप टू लिखा हुआ है तो लुकअप टू का मतलब तो एडमायर करना होता है लेकिन यह जो लुकअप होता है लुकअप लुकअप का मतलब दो मीनिंग होते हैं एक तो इसका मतलब बेटर होता है या इंप्रूव होता है दूसरा होता है टू फाइंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे डिक्शनरी वगैरह में या कहीं से भी जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसके बारे में भी हम बोलते हैं लुकअप अब अगर मैं लुकआउट की बात करूं तो लुकआउट का मतलब होता है बी केयरफुल यानी बी वेयर ठीक है ये चीज होता है जिसे हम लोग हीडफुल भी बोलते हैं हीडफुल और अगर मैं लुक डाउन ऑन की बात करूं तो लुक डाउन ऑन का मतलब डिस्पाइस होता है आप कहोगे सर डिस्पाइस का मतलब क्या होता है डिस्पाइस का मतलब डिटेस्ट होता है डिटेस्ट का मतलब आप कह सकते हो तरीके से हार्ट रेड होता है जिसे हम लोग डिसलाइक बोलते हैं यानी किसी चीज को ना पसंद करना अब चलिए एक एक करके इसको मिला लेते हैं अब ए का क्या जाएगा अपने का डी जाएगा तो पहले का डी कहां है आपने कहा सर पहले का जो डी है वो यहां पे है और दूसरे का क्या है दूसरे का ए है दूसरे का ए यहां पे है यानी हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं देखिए सबको समझ में भी आ गया होगा ये चीज कि किस तरीके से हम लोगों ने करा है तो मिलान करना है सिंपल सी चीज अगर मेन्स में ये क्वेश्चन आता है तो वो आपकी अच्छी होनी चाहिए और आप इसी तरीके से आराम से कर सकते हैं कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार बता दीजिएगा ठीक है अगला देखिए द क्राउड एक्साइटमेंट वॉज ए रिले रेस टू स्टार्ट देखिये यहां पर लिखा है क्राउड एक्साइटमेंट अब ये हमारा क्राउड है ये हमारा एक्साइटमेंट है यानी ये भी नाउन है ये भी नाउन है दोनों के बीच मेरे पास ट्रॉफी एस लगाया है हमने पोजेशन बताने के लिए अब यहां पे क्राउड के एक्साइटमेंट की बात हो रही है जो कि रेफरेंस इसका क्या है आपने कहा सर सिंगुलर है तो दैट्स यहां पे वर्ब क्या हो गया सिंगुलर वाज पेल्पेबल अब यहां पे ये क्या है एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट के तरीके से काम कर रहा है यानी ये एडजेक्टिव है और ये किसके एक्साइटमेंट वाज पेल्पेबल राइट ये एक्साइटमेंट के लिए लगा हुआ है तो हमें पता है अगर किसी नाउन या प्रनाउन के जब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन बताते हैं

ये कह सकते हो हु सेटल्स डिस्प्यूट यानी जो लड़ाई झगड़े को क्या करता है सेटल करता है मतलब जो बीच वाला नहीं होता है जिसे हम लोग बोलते हैं तो जो बीच में आकर के चीजों को सेटल कर देता है मध्यस्थ जिसको हिंदी में बोलते हैं तो एर्बिट्रेटर ध्यान रखिएगा हु सेटल्स डिस्प्यूट इतना सा सिंपल सा बस ध्यान रखिएगा इसमें और कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और फिर अगर मैं आपसे बात करूं ब्लाइथ अब देखो ब्लाइथ का मतलब क्या होता है हीडलेस 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 ठीक है यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपने कहा सर जिसे हम केयरलेस बोलते हैं केयरलेस यानी लापरवाह अब देखो फ्लेल शब्द लिखा हुआ है फ्लेल मतलब क्या होता है फ्लेल के दो मतलब होते हैं देखो फ्लेल का एक मतलब होता है स्ट्राइक स्ट्राइक मतलब क्या होता है किसी को हिट करना ठीक है किसी को हिट करना यानी किसी को स्ट्राइक करना इस बात को ध्यान रखना जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं जिसे हम बीट भी बोल सकते हैं और जिसे हम लोग थ्रेस भी बोल सकते हैं और इसकी जो दूसरी मीनिंग होती है वो क्या होती है अब जैसे हिंदी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे हर बच्चे को पता होगा कि भाई प्लेल का मतलब स्ट्राइक होता है हिट करना बीट करना किसी को स्ट्राइक करना हिट करना और दूसरा मीनिंग इसका स्विंग होता है और वेव होता है चलिए इसका थोड़ा सा मिला करके देखते हैं ये आर्बिट्रेटर की बात करूंगा तो ये आर्बिट्रेटर या आर्बिटर क्या होता है आपने कहा सर ये होता है कंट्रोलर जो कंट्रोल करता है जो चीजों को क्या करता है सेटल करता है तो पहले का क्या हो जाएगा? का सर, हो जाएगा जाएगा आपने कहा सर सी मतलब केयरलेस होता है हेडलेस होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपने कहा सर अनकसर्न हो जाएगा मतलब कंसर्न मतलब होता है चिंता करना अनकंसर्न जिस बारे में आपको कोई को चिंता ही ना हो ठीक है तो आपका जो ये बी वाला है सेकेंड वाला सेकेंड का क्या हो जाएगा आपने कहा सर ए हो जाएगा फिर हमने कहा फ्लेल फ्लेल का मतलब क्या होता है दो मीनिंग एक तो स्विंग होता है एक तो स्ट्राइक होता है थ्रेस होता है तो इसका क्या हो जाएगा आपने कहा सर थ्रेस हो जाएगा यानी आपका तीसरे का बी हो जाएगा जील जील का मतलब क्या होता है जील का मतलब फर्विड होता है जिसको हम लोग फर्वेंट भी बोलते हैं जिसे हम लोग अर्डेंट भी बोलते हैं यानी हिंदी लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं जिसका मतलब जोशीला होता है तो अब जोशीला क्या हो जाएगा आपने कहा सर फवर हो जाएगा यानी चौथे का डी हो जाएगा चौथे का डी अब यहां पे देखो भाई पहले का सी कहाँ है पहले का सी यहां है ये काट दीजिए ये काट दीजिए दूसरे का ए यहां है दूसरे का ए यहां है ठीक है फिर हमारा क्या होना चाहिए बी होना चाहिए यहां पे डी दे दिया जो कि गलत हो गया चौथा हमारा डी बी डी यानी ये आंसर हो जाएगा चौथा फोर्थ फोर्थ डी इज द करेक्ट आंसर डी 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 ठीक है कोई डाउट नहीं है अगला देखिएगा नेक्स्ट की अच्छा ये तो आपके लिए मैंने रखा है होमवर्क वो आप लास्ट में करिएगा अब आते हैं देखिए पैरा जंबल पर पैराजंबल में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ऑप्शन देखना है ठीक है ऑप्शन में अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से तो सबसे पहले यहां देखिए Q है P है R है S है यानी P Q R S ये चारों चीज़ें दी गई है P भी दिया गया है Q भी दिया गया है R भी दिया है ऑप्शन में S भी दिया है यानी अगर इसमें हमें पहली मिल जाए कि पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा तो हमारा आंसर तुरंत हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा ऐसे क्वेश्चन में क्या होते हैं ना कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है मतलब कम टाइम में हो जाता है बस पहला स्टेटमेंट हमें ढूंढना होता है तो जैसे देखिए पहला स्टेटमेंट ढूंढने के लिए भाई हमें पढ़ना तो पड़ेगा द फैसलिटी विल कंसिस्ट मोस्टली ऑफ पॉन्ट्स एंड बोरोज फॉर द सेमी एक्वेटिक क्रिएचर्स तो अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं फैसिलिटी की जो कि होनी चाहिए वो ये सारी फैसिलिटी शामिल होनी चाहिए उसमें कंसिस्ट मतलब इन्वाल्व होना चाहिए मोस्टली ऑफ पोंड्स जो होते हैं पॉन्ट्स मतलब ये तालाब वगैरह होते हैं जो बरोज़ होते हैं बरोज़ क्या होते हैं जो होल होता है गड्ढा जैसे खरगोश होता है तो खरगोश क्या करता है गड्ढा खोद के उसी में रहता है तो वो बोरो हो गया और ये वन वर्ड में बहुत पूछा जाता है फॉर द सेमी एक्वेटिक क्रिएचर जो एक्वेटिक इट इज रिलेटेड टू वाटर तो जो सेमी एक्टिक क्रिएचर्स होते हैं ये उनके फैसिलिटीज के बारे में बात हो रही है जहाँ पे उनको पॉन्ट्स और उनके लिए क्या होना चाहिए बोरो होना चाहिए अच्छा आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया इज द सेटअप टू ओपन द वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी इन ऑर्डर टू हेल्प द नेटिव फ्रॉम गोइंग अच्छा अब ऑस्ट्रेलिया देखिए कर क्या रही है यानी स्थापित कर रही है वर्ल्ड का यानी विश्व का सबसे पहला प्लेटिपस सेंचुरी अब ये प्लेटिपस सेंचुरी होता क्या है देखो सेंचुरी का मतलब होता है सेफ प्लेस ध्यान से समझना मेरी बात को इसका मतलब होता है अ सेफ प्लेस और ये जो हमारा होता है ये प्लेटिप ये एक्चुअली जो ऑस्ट्रेलियन मैमल होते हैं ऑस्ट्रेलियन मैमल यानी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जो मैमल होते हैं जीव जंतु होते हैं उनके बारे में बात हो रही है इन ऑर्डर टू अच्छा इसको स्थापित करने के पीछे जो उनका उद्देश्य है इन ऑर्डर टू परपज बताता है मदद करना है द नेटिव स्पीसी मतलब नेटिव मतलब जो वहां के स्थानीय जीव जंतु हैं जो वहां के स्थानीय यानी नेटिव लोकल जीव जंतु हैं फ्रॉम गोइंग एक्सटिंक्ट मतलब उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए उनको विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से ये लोग प्लेटिपस सेंचुरी जो है वो सेटअप करने जा रहे हैं तो हमें देखो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई कि शुरुआत तो भाई हम क्यों से ही कर पाएंगे लेकिन आगे पढ़ लेते हैं बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू द तरुंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स स्टेट गवर्नमेंट विल ओपन द स्पेशलिस्ट फैसिलिटी यहाँ बात देखिए फैसिलिटी की हुई कि वो 2022 तक ये सारी फैसिलिटी ओपन कर देंगे और यहाँ पे भी देखिए बात फैसिलिटी की हुई है कहीं कहीं आर के साथ हमारा पी का पेयर है बिल्कुल है तो आर के साथ पी का पेयर पक्की बात है बन रही है यहीं से दिख गया आर के साथ पी का पेयर यहाँ है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है और यहाँ भी समझ में आ गया था कि शुरुआत किससे करेंगे क्यों से करेंगे तो पक्की बात हो गई कि भाई हमारा आंसर क्या होगा पहला वाला होगा तो क्यू के साथ एस लगा दीजिए फिर आर और पी कोई डाउट किसी स्टूडेंट को क्यू एस आर पी क्यू एस आर पी ठीक है चलिए अगले पे आते हैं नेक्स्ट पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है क्या हो गया भाई इसको जील बर्निंग इंथुजियाज पैसन अब इसको क्या बोलेंगे एक एक करके सारी बातों को मैं समझाऊंगा और समझने की कोशिश करिएगा ठीक है अब देखो अगर अरिड की मैं बात करता हूं तो अरिड का मतलब होता है ड्राई प्लेस यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सूखा इसको क्या बोलते हैं सूखा अब यहाँ पे आर्डुअर दिया गया है आर्डअर का मतलब क्या होता है पैसन मैंने आपको बताया था ना जिसे हम पैसन बोल सकते हैं जिसे हम लोग झील बोल सकते हैं आप इसको फरवेंट बोल सकते हैं आप इसको फरविड बोल सकते हैं आप इसको अर्डेंट बोल सकते हैं आप इसको पैसनेट बोल सकते हैं, हैं यानी जो लोग क्या होते हैं जोशीला ठीक है किसी भी कार को करने को लेकर जो लोग बड़े जोशीले होते हैं पैसनेट है अर्डेंट है फरविड है फरवेंट है झील है पैसन है अब यहाँ पे जरा गौर करिएगा ये एक्यूरेट नहीं लिखा है ये आर्कुएट लिखा है आर्कुएट का मतलब क्या होता है ना कर्व्ड सेप यानी इन अ बॉडी शरीर का जो कर्व्ड शेप होता है उसे हम लोग आर्कुएट कहते हैं अब ये होता क्या है जैसे मान लीजिए जो आपके ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर जैसे आप कह लो लिगामेंट जो लीगाट वगैरह होते हैं आपके बॉडी के अंदर वो जो ऑर्गन वगैरह होते हैं कर्ड से कर्व मतलब क्या होता है ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ ठीक है तो उसे हम कहते हैं आकुएट. अब यहां पे अरेना दिया हुआ है अरेना का मतलब क्या हो गया जैसे मतलब एरिया सराउंडेड बाई सीट आप ऐसे देख सकते हैं एरिया सराउंडेड बाई सीट्स जैसे आप बोल सकते हो ओलंपिक अरेना ओलंपिक अरेना मतलब क्या हो गया जैसे जहां पे ओलंपिक के खेल वेल वगैरह होते हैं वहां पे देखिए सारी सीट्स लगी होती हैं जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो तो फील्ड में भी आप देखते होंगे सारे सीट्स लगी होती हैं तो वो आपका अरेना होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे सीट्स लगी हो बैठने के लिए दर्शकों के और आर्क्यूट होता है इन अ बॉडी किसी बॉडी के अंदर जो कर्व शेप होता है जैसे जो आपके ऑर्गन हैं लीगामेंट वगैरह वो कर्व शेप में होते हैं अब जैसे आर्डअर मतलब क्या होता है जोशीला होता है ये सब उसका सीनरिम हो गया और आरिड मतलब ड्राई प्लेस होता है तो यहाँ पे हम झील की बात कर रहे हैं बर्निंग इंथुसियाज में तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है आगे बात समझ में अगला देखिएगा नेक्स्ट की बात करते हैं ओके okay, अब फिर से यहाँ पे देखिए आपके सामने एक पैरा जंबल का क्वेश्चन है तो पैरा जंबल के क्वेश्चन में आपको क्या करना है सबसे पहले ऑप्शन में आइए ऑप्शन में आपने बी देखा ए देखा सी देखा डी देखा यानी ए बी सी डी चारों हैं तो अगर मैं पहला ढूंढ लूँ पहला अगर ढूंढ लू तो तुरंत आंसर मिल जाएगा टाइम वेस्ट नहीं होगा लेकिन पहला ढूंढे तो ढूंढे कैसे क्या कोई तरीका है पहला ढूंढने का मैं कहूं कि अगर देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही देखा ही लुक्ड द टोड उसने टोड को देखा तो ये ही प्रनाउन है ऑब्वियस सी बात है किसी नाउन के स्थान पे आएगा यहाँ पे भी ही प्रनाउन है किसी नाउन के स्थान पे आएगा तो हमने बी को काट दिया सी को काट दिया तो ये बी वाला कट गया सी वाला कट गया अब हमारे पास ए और डी बचा तो हमने डी पढ़ा पहले द फॉक्स हर्ड फॉक्स ने सुना द न्यूज एंड हरिड टू सी द टॉट उसने न्यूज सुना और जल्दी से वो टोड को देखने गया या उससे मिलने गया तो जाहिर सी बात है इसके पहले कुछ तो रहा होगा कहाँ से न्यूज आई कैसे न्यूज आई कौन टोड है ठीक है तो यहाँ पे पक्की बात हो गई कि भाई शुरुआत हमारा ए से होगा तो हमने ये डी वाला काट दिया ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी जिन लोगों ने यहाँ पे बी किया हुआ है ए बी डी सी उनका सही है अगला देखिए बिग बिग अस फॉर मेकिंग आर पडिंग्स चीपर अब भाई मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे भी आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे ठीक है पहले तो इसका मीनिंग लिख लीजिए इसका मीनिंग होता है स्वीट डिश ठीक है जो स्वीट डिश वगैरह कुक किए जाते हैं ना उसे हम बोलते हैं अब आपने देखा कि यहाँ पे बिग कंपनीज लिखा हुआ है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्क की सेकेंड फॉर्म है ठीक है आ, बिग कंपनीज ने हमसे पूछा फॉर मेकिंग बनाने के लिए आर पुडिंग शीपर कि हम थोड़ी सी जो चीजें बना रहे हैं ये जो डिश बना रहे हैं उसको थोड़ा सस्ता बनाएं ऑप्शन में अगर हम आकर के देखेंगे तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी गई है तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज की जाती हैं तो इसको हटा दीजिए यहाँ पे आस्क लिखा हुआ है अगर कभी भी आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लिखते हैं तो ये जो होता है आपका हो जाता है प्रेजेंट एंड डेफिनिट गौर से सुनिएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म हो जाती है प्रेजेंट एंडेफिनिट और प्रेजेंट एंड डेफिनिट का बेसिकली हम लोग यूज करते हैं फैक्ट वगैरह बताने के लिए जैसे मान लीजिए Uh, कोई फैक्ट हो रेगुलर एक्शन हो हैबिचुअल एक्शन हो इन सारी चीजों के लिए हम बताते हैं तो अगर आप ये लिखते हो ना कि ही गोज टू स्कूल डेली तो इसका मतलब ये हो गया कि वह रोजाना स्कूल जाता है ये बिल्कुल फैक्ट है ये एक रेगुलर एक्शन है वो रोजाना स्कूल जाता है तो ये नहीं कह सकते कि बिग कंपनीज आस कस हमसे पूछती रहती है तो ये कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है तो ये भी हटा दिया ये भी हटा दिया अब हमारे पास एक बच रहा है यहां पे आस्ड अस्ट टू मेक तो यही सही होगा हमारा यानी पहला ए इज द करेक्ट आंसर उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी क्लियर हो गया होगा अगला देखिएगा नेक्स्ट की बात करते हैं लेट द पुलिस फिनिश द इन्वेस्टिगेशन अब जैसे मैं ये बोलूं ये जब लेट वाले आते हैं ना तो इसमें थोड़े बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ठीक है मैं जैसे बताऊं आपसे कि इसको आप बना कैसे सकते हो जब भी लेट वाले क्वेश्चन आए तो यहां पे आप ये देखना ये लेट द पुलिस फिनिश द इन्वेस्टिगेशन ये फिनिश जो हमारी वर्ब है ये वर्ब के बाद ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है ना द इन्वेस्टिगेशन उसको उधर ले जाकर के सब्जेक्ट बना दो तो इसको ऐसे कुछ करके बनाओ कि लेट यहां पे वो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो द इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा ठीक है लेट द इन्वेस्टिगेशन और आपको पता होना चाहिए कि जब हम बनाते हैं तो लेट सब्जेक्ट के बाद बी लिखते हैं और बी के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म लिखते हैं यही लिखते हैं अब यहाँ पे देखिए लेट द इन्वेस्टिगेशन शुड भी लिख दिया यहां पे द इन्वेस्टिगेशन लेट भी लिख दिया लेट द इन्वेस्टिगेशन यहाँ फिनिश लिख दिया एक ही जगह सही है लेट द इन्वेस्टिगेशन बी फिनिश्ड लेट सब्जेक्ट बी वर्क की थर्ड फॉर्म यानी डी इज द करेक्ट आंसर तो सी नहीं होगा डी होगा मेरे भाई आप देखो यहां शुड आपने लगा दिया शुड नहीं आएगा ठीक है तो यहां पे जो आएगा लेट सब्जेक्ट बी लेट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आपका करेक्ट आंसर होगा ठीक अगला देखिएगा नेक्स्ट है अब देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और यहां पे आप लोग घबराइएगा नहीं अब इसमें थोड़ा सा आप इंस्ट्रक्शन को पढ़िएगा और इंस्ट्रक्शन में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है डिफरेंस ये है कि यहां पे ये जो एस वन दिया है और ये जो एस फाइव दिया गया है ये बिल्कुल आपका फिक्स है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है बाकी ये जो तीन चीजें हैं इनको बीच में अरेंज करना है अच्छा इनको अरेंज करने का जो बड़ा सिंपल तरीका है यहां हम ऑप्शन ना भी देखें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें जब फिक्स वाले स्टेटमेंट मिल जाए जैसे एस वन फिक्स है एस फाइव फिक्स है तो मेरी आप लोगों से सलाह होगी कि सबसे पहले आप लोग एस वन को पढ़ेंगे और फिर आप एस फाइव को पढ़ेंगे फिर आगे आप कोई डिसीजन लेंगे कैसे आपने पढ़ा दिल्ली जो है यानी यहां लिखा ये जो एपिक है द साइट बींगल द पांडवास बिल्ट दियर सिटी देर अब जरा गौर कर लो ये जो एपिक की बात हुई है तो यहां पे एपिक है कहां पे मेंशन अगर वो हम पता कर पाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा तो अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे ये जो द एपिक महाभारत लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं रिलेट करेगा किससे आपने कहा सर एस फाइव से तो भाई एस फाइव अगर लास्ट है अगर एस फाइव लास्ट है तो इसके जस्ट पहले हमें क्या होगा आपने कहा सर टी होगा और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला ये वाला इस हिसाब से हम काट सकते हैं और दो ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल आ जाएगा कि या तो ये वाला हो या तो ये वाला हो ठीक है पहले बताइए यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है अच्छा अगर आप इसको हिंदी से समझना चाहें तो आप उस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे हमने कहा दिल्ली हिस्ट्री डेटिंग बैक टू थाउजेंड बी यानी दिल्ली का इतिहास हजार ईसा पूर्व से चला आ रहा है ठीक है फिर हमने कहा दस सिटी अब जैसे यहाँ पे ये जो दस सिटी लिखा हुआ है किसके लिए लिखा होगा दिल्ली के लिए लिखा हुआ है सिटी हैज बिन बिल्ट एंड रिबिल्टिन टाइम्स अम्पटिन टाइम्स मतलब बहुत बार तो ये जो हम शहर है इसको बनाया गया मतलब निर्माण किया गया फिर विनिर्माण किया गया ठीक है बहुत बार बाई द डिस्परेट डायनेस्टीज डायनेस्टीज मतलब क्या होता है पुनर्निर्माण विभिन्न राजवंशों द्वारा किया गया विभिन्न राजवंशों द्वारा किया गया दैट है पिवट ऑफ दियर माइटी इंपायर्स जिन्होंने इसे अपने शक्तिशाली साम्राज्यों की धूरी बना दिया अब अगर इसको धूरी मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं सेंट्रल पार्ट किसी चीज का जो मुख्य पार्ट होता है जो सेंट्रल एरिया होता है या जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे बोलते हैं तो वो दिल्ली के लिए ही आर लगा होगा तो देखो शुरुआत हमारी किससे हो जाएगी आर से यानी ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है हमने ये भी काट दिया समझ के भाई किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है अगर प्लीज हो तो एक बार पूछ लेना अगर कोई भी डाउट किसी को हो ठीक अगला देखिएगा नेक्स्ट यहां पे क्या लिखा है ही हैज बीन द इन हिज डिपार्टमेंट He is in charge of everything that happens to pass in the office overlooks everything and approves all the decisions ab mujhe bataiye zara बताइए बता सकता है क्या यहाँ underdog hoga होगा dog hoga होगा in the wheel होगा dark horse होगा ये क्वेश्चन अच्छा है और यहाँ मुझे पक्की बात है कि अगर ये एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिला तो बहुत सारे लोग इसमें गलती करेंगे तो एक बार जरा बताइएगा आप सभी लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा लाइट चली गई क्या एक सेकेंड रुक जाइएगा आप इसका आंसर दीजिए तब तक मैं थोड़ा सा सही करूँ नहीं लाइट आ गई चलिए नहीं तो अभी लाइट कट जाती तो ऑन करना पड़ता और ये क्लास बीच में बंद हो जाती क्या हो जाएगा टॉप डॉग सभी लोग श्योर हैं अच्छा यहाँ पे आप टॉप डॉग का मतलब सर्वोच्च कुत्ता तो नहीं समझ रहे हैं टॉप डॉग मतलब सर जो सबसे बड़ा कुत्ता होगा जो सबसे सर्वोच्च क्वालिटी वाला कुत्ता होगा उसकी तो बात नहीं समझ रहे हो आप देखो अ पर्सन हु इज सक्सेसफुल एंड डोमिनेंट एक ऐसा व्यक्ति जो सफल रहता है मतलब जो सक्सेसफुल है अपनी जिंदगी में और देखो डोमिनेंट भी है मैंने दोनों बातें लिखी है एक ऐसा व्यक्ति जो सक्सेसफुल हो और डोमिनेंट भी हो डोमेंट मतलब क्या होता है जो लोग कंट्रोल करते हैं चीजों को डोमिनेट करते हैं उनकी बात कर रहे हैं अब अगर मैं अंडर डॉग की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है अ पर्सन विद लेस पावर अ पर्सन विद लेस पावर या मनी जिसके पास पैसा या पावर कम होता है उसकी बात कर रहे हैं कॉग इन द व्हील की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी बहुत बड़े संगठन का बहुत बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का जो छोटा सा भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉग इन दिल डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है हुप्स दियर आइडियाज सिक्रेट कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति रखता हो अपने आइडियाज को गुप्त रूप से जिसको हम अनएक्सपेक्टेड विनर भी कहते हैं मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जो मूव होते हैं जो अपनी चाल होती है जो अपनी आइडियाज होता है वो किसी को पता नहीं लगने देता है ठीक है और बाद में वो जब अनएक्सपेक्टेड विनर होता है जब वो जीत जाता है लोगों को लगता है अरे यार ये कैसे जीत गया इसकी तो हमें उम्मीद भी नहीं थी अरे ये बात समझिए आप सभी लोगों को तो वो डार्क हॉर्स होता है तो अब अकबर सेंटेंस को पढ़िए ही हैज बीन द टॉप डॉग इन हिज डिपार्टमेंट वो अपने डिपार्टमेंट में टॉप डॉग है सर्वोच्च कुत्ता है सर्वोच्च कुत्ता मत कहिएगा मतलब बहुत ही 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 सफल है और है है और डोमिनेंट इज इज आगे लिखा भी ऑफ एवरीथिंग वो हर चीज का इंचार्ज है दैट हैपेंस टू पास इन द हैासवरलुक्स एवरी एवरीथिंग एंड अप्रूव्स ऑल द डिसीजन ठीक है बी 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 इज द करेक्ट आंसर अगला देखिएगा पेंचेंट लिखा हुआ भाई पेंचेंट का मतलब क्या होता है किसी को पता है क्या मैं बता देता हूँ आप सभी लोगों को देखिए पहले तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा नियरेस्ट मीनिंग आपसे पूछ रहा है तो इसका मतलब एक तो आप लिख लीजिएगा इंक्लाइनेशन इंक्लाइनेशन अब आप कहोगे इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है स्पेलिंग सही से लिख देता हूं ये एन है ये टी आई एन इंक्लाइनेशन मतलब होता है लाइक like करना यानी जब आपका झुकाव किसी चीज की तरफ बहुत ज्यादा होता है आप मतलब इंक्लाइन होते हैं यानी किसी चीज में क्या होना आपने कहा इंटरेस्टेड uh, होना ठीक है इंटरेस्टेड होना जिसे हम लोग एफिनिटी भी बोलते हैं एफिनिटी तो चाहे आप एफिनिटी बोलिए इंक्लाइनेशन बोलिए आप यहाँ लाइक like ना बोल के अगर आप लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लाइकिंग भी लिख सकते हैं ठीक है ये ए है आपका इंक्लाइनेशन ये आपका इंटरेस्टेड लिखा हुआ था ठीक है जी अब यहाँ पे देखिए लाइकिंग इज द करेक्ट आंसर बाकी ईगर या कीन ये आपस में सेनेनिम है क्योंकि ईगर या कीन का मतलब क्या होता है क्यूरोसिटी होता है यानी उत्सुकता होता है अगला देखेंगे द न्यू प्रोजेक्ट वाज असाइन टू मी जो नया प्रोजेक्ट है मुझे असाइन किया गया था इस चैलेंजिंग बट एक्साइटिंग जो नया प्रोजेक्ट मुझे असाइन किया गया था यानी मुझे दिया गया था वो चैलेंजिंग है लेकिन एक्साइटिंग भी है अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हुज वाज एक्सप्लेन इन ग्रेट डिटेल दैट हैज अ टाइट डेडलाइन हु वाज गिवन टू मी बाई माई बॉस हुम आई एम वर्किंग विद द टीम अब अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो न्यू प्रोजेक्ट के लिए देखो हम हु और होम का यूज तो कर नहीं पाएंगे ये सबको पता है क्योंकि जो हु होता है और आपका होम होता है ये पर्सन के लिए यूज किया जाता है यानी लिविंग बींग के लिए यूज़ किया जाता है अगर सब्जेक्ट को रेफर करूंगा हु और ऑब्जेक्ट को रेफर करूंगा तो क्या हो जाएगा आपने का सर होम हो जाएगा अब यहाँ पे अगर मैं नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हुज भी नहीं होगा क्योंकि हुज का यूज हम किसके लिए करते हैं आपने का सर पोजेशन के लिए करते हैं और यहाँ पे अधिकार तो बताया नहीं जा रहा है वो कह रहा है कि जो नया प्रोजेक्ट है दैट हैज अ टाइट डेडलाइन जिसकी जो डेडलाइन है वो काफ़ी टाइट है वाज असाइन टू मी वो मुझे दिया गया था चैलेंजिंग है लेकिन एक्साइटिंग है यानी बी इज द करेक्ट आंसर और सुनिएगा यहाँ पे जो टाइट डेडलाइन लिखा हुआ है टाइट डेडलाइन का मतलब क्या होता है जैसे मान लीजिए मैंने आपको डेड लाइन दिया डेडलाइन का मतलब ये हो गया कि मैंने आपको बोला कि भाई ये काम एक अक्टूबर तक हो जाना चाहिए ये आपका डेडलाइन है डेडलाइन का मतलब हो गया कि ये एक्शन एक तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए तो वो डेडलाइन होता है तो वहां पर दैट अ टाइट डेडलाइन यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है समझ गए अगला देखिएगा पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वन नीड्स टू अंडरस्टैंड अर्थ टू विजिट अंटार्क्टिका अब यहां पे देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस को रैंडम तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे गए हैं इनको अरेंज करके आपको सही से सिक्वेंस में बनाना है तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको पता है कि ये एक सेंटेंस है तो कोई भी जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होती है सब्जेक्ट से यूजुअली हम करते हैं उसके बाद उसका वर्ब लिखते हैं तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं अगर मैं ए में बात करूँ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये नहीं हो सकता ए से शुरुआत हम नहीं कर पाएंगे ठीक है और बी में सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब है यहाँ टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म है और यहां पे भी टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म है यानी शुरुआत हमको हमारी मिल गई हमारी जो शुरुआत यहां पे होगी वो बी से होगी तो इसको इसको हमने काट दिया अब बी बी में लिखा है वन नीड्स अब देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना जैसे आप जब कोई सेंटेंस लिखते हैं ही वॉन्टेड टू गो देयर और अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिखूँ ही वॉन्टेड गो देयर कौन सा सही है कौन सा गलत है आपने कहा सर ये वाला सही है ये वाला गलत है क्यों क्योंकि हमने हमेशा से जिंदगी भर ऐसे ही पढ़ा है इसलिए ऐसा तो रीजन नहीं दे सकते यहाँ पे क्या है कि ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपके वर्क की सेकेंड फॉर्म है ये सब्जेक्ट है ये वर्क की सेकेंड फॉर्म है यानी ये मेन वर्ब है तो एक्चुअली क्या है कि जो मेन वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज होते हैं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं और इसे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ग कहते हैं क्योंकि ये टू प्लस वर्क की पहली फॉर्म जो इन्फिनेटिव होती है उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ग कहते हैं आप लोग टेंशन मत लेना जो मैं अपना फाउंडेशन बैच फ्री वाला पढ़ा रहा हूं यूट्यूब में वो सब पढ़ाऊंगा आप सभी लोगों को तो ही वॉन्टेड टू गो देयर है तो मतलब दो मेन वर्ब एक साथ नहीं लिख सकते एक मेन वर्ब और दूसरा हमें एक नॉन फाइनाइट वर्ब लिखना पड़ेगा तो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड या वन नीड्स टू विजिट अंटार्कटिका ठीक है तो अगर इसमें से मैं बोलूं तो क्या होगा तो वो भी समझ में आ रहा है वो भी समझ में आ रहा है भाई होने को तो ऐसा देखा जाए तो दोनों हो सकता है ठीक है लेकिन अगर गौर करिएगा ना बी के बाद हम क्या लिखेंगे बी के बाद ऑप्शन में ए दिया है, तो 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 के बाद ए तो आ नहीं सकता, BDCA, हाँ जी सही है द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नर टू होल्ड टेस्ट हैज बिकम

नेसेसरी होती है मतलब बेकार होती है वर्थलेस होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता अब यहाँ पे देखिए रप्चर और फ्रैक्चर लिखा हुआ है ये दोनों ही आपस में क्या है आपने कहा सर ये दोनों ही आपस में क्या है सेनेनिम है और अगर इनके मीनिंग की बात करो तो इनका मीनिंग क्या होता है इनका मीनिंग आप देखो कई चीज़ें लिख सकते हो आप इनका मीनिंग ब्रीच लिख सकते हो आप इनका मीनिंग ब्रेक लिख सकते हो आप इनका मीनिंग टीयर लिख सकते हो आप इनका मीनिंग एक्सप्लोड भी लिख सकते हो क्योंकि जब कोई चीज़ रप्चर होती है या फ्रैक्चर होती है तो वो टूट जाती है फट जाती है और टूट जाना फट जाना कई चीज़ का स्प्लिट हो जाना यानी अलग हो जाना एक्सप्लोड यानी फट जाना ठीक है अगर कहीं पे कोई चीज़ एक्सप्लोड होती है तो वो क्या करेगी किसी चीज़ को ब्रेक करेगी टीयर करेगी ब्रिज करेगी है ना तो ये सब आपस में सेनिम है इनफेक्टिव आप लोगों को पता होगा ये होगा ना यहाँ पर प्रोडक्टिव हो जाएगा इसका उल्टा क्योंकि अगर कोई चीज़ अननेसेसरी है कोई चीज़ पॉइंटलेस है कोई चीज़ इफेक्टुअस है तो वो प्रोडक्टिव तो हो ही नहीं सकती तो वो जो चीज़ होती है वो आपकी होती है अनप्रोडक्टिव अगर ये अनप्रोडक्टिव है ठीक है तो इधर क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्टिव हो जाएगा भाई बताओ कोई डाउट है किसी को बी चलिए अगला देखिएगा इट वाज एविडेंट अच्छा यहाँ पे भी अंडरलाइन वर्ड जो है वो आपका एविडेंट है और इसका क्या पूछ रहा है एंटेनिंग पूछ रहा है अगर मैं एविडेंट की आप लोगों से बात करता हूँ तो एविडेंट मतलब क्या होता है एविडेंट मतलब होता है क्लियर जो चीज़ बिल्कुल अस्पष्ट हो जिसे हम लोग ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं जिसे हम लोग पेल्यूसिड बोलते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ल्यूसिड बोलते हैं ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं जिसके लिए कभी कभी ऑबियस शब्द भी आता है तो ऑबियस है, है ल्यूसिड है पेल्यूसिड है ट्रांसल्यूसेंट है क्लियर है ट्रांसपेरेंट भी आप लिख सकते हैं ट्रांसपेरेंट अस्पष्ट अब यहाँ आइए अगर इधर कोई चीज़ क्लियर है तो इधर क्या हो जाएगा हिडन हो जाएगा प्रोफ्यूज मतलब क्या होता है प्रोफ्यूज मतलब मैंने आपको प्लेथोरा बताया है इसका मतलब मैंने आपको प्लेनिट्यूड बताया है इसका मतलब मैंने आपको प्लेंटीफुल बताया है और मैंने आपको थ्राइव भी बताया होगा मैंने आपको मशरूम भी बताया होगा मैंने आपको वो बताया होगा फ्लरिस भी बताया होगा ठीक है मैंने आपको बर्जीन भी बताया होगा बर्जीन तो बर्जीन है फ्लरिस है थ्राइव है प्लेंटीफुल है प्लेनीट्यूड है प्लेथोरा है ये सारी चीज़ें होती हैं और करेक्ट है और यहाँ पे विजिबल है तो ये सब तो आपको पता ही होगा आंसर क्या लिख लीजिएगा पहला लिख लीजिएगा ठीक है ए अगला देखिएगा नेक्स्ट पे आते हैं जस्ट इसका कोई बता सकता है क्या मुझे जस्ट मतलब क्या होता है जस्ट का क्या होगा जस्ट हम लोग अक्सर बोलते हैं जस्ट एक तो जस्ट का मतलब क्या होता है रिसेंटली होता है और एक जस्ट का मतलब क्या होता है फेयर होता है फेयर ठीक है फेयर uh, हम कह सकते हैं या जस्ट इससे हम जस्टिस भी बना सकते हैं राइट right. तो इसका उल्टा अनफेयर हो जाएगा अनफेयर जिससे हम लोग अनफे मतलब फेयर है इधर अनफेयर हो जाएगा जैसे इधर हम इम्पारसल लिख सकते हैं इम यानी जो लोग पक्षपात नहीं करते हैं तो इधर हम क्या लिख सकते हैं आपने कहा सर पार्सल लिख सकते हैं और एक चीज़ और लिख सकते हैं आप यहाँ पे प्रीज्यूडीस भी लिख सकते हैं भाई ठीक है ये भी लिख सकते हैं प्री है पार्सल है अनफेयर है और अगर मैं गालिबल की बात करता हूँ तो मतलब ये होता है ईज़िली परसुएड अब आप कहोगे ईजिली परसुएड मतलब क्या हो गया परसुएड का मतलब होता है किसी को आसानी से इन्फ्लुएंस कर लेना ठीक है मतलब अपनी बातों में बरगला लेना जैसे मैं अगर आपको अपनी बातों में बरगला लूँ तो मतलब ईजिली इन्फ्लुएंस जैसे आजकल आप देखते होंगे एस एस के अंदर टीचर्स यूजुअली अपना कोर्स या किताब बेचने के लिए स्टूडेंट्स को क्या करता है ईजिली परसुएड कर लेता है ठीक है जिससे हम लोग क्रेडुलस बोलते हैं क्रेडुलस आसानी से अपनी बातों में बरगला लेना अपनी बातों को मनवा लेना और जोवियल मतलब क्या होता है जोवियल का मतलब हैप्पीनेस होता है हम जिसे कहते हैं ठीक है? हैप्पीनेस जिसे हम लोग इलेटेड बोलते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं डिलाइट बोलते हैं डिलाइट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एक्सटेसी बोलते हैं एक्सटेसी तो एक्सटेसी है डिलाइट है इलेटेड है, हैप्पीनेस है वो हमारा जोवियल हो गया और आंसर क्या हो जाएगा अनफेयर हो जाएगा डन चलिए अगला देखिएगा ये देख लो आप बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसका मतलब क्या हो गया जो लोग फिरोसियस होते हैं यानी जो लोग प्रूवल होते हैं इसका मतलब क्या हो गया जो लोग फिरोसियस होते हैं जो लोग प्रूवल होते हैं जो लोग ब्रूटल होते हैं जो लोग सेवेज होते हैं जो लोग इनह्यूमन होते हैं इनह्यूमन होते हैं यानी एक तरीके से जो लोग निर्दयी होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं आप यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें आपकी दी गई हैं जेंटल दी गई हैं फ्रॉड दिया गया है अग्रेसिव है फैनेटिक है अब भाई देखो फैनेटिक का मतलब क्या होता है मतलब जो लोग ना किसी चीज को लेकर के अडिक्ट होते हैं अडिक्ट मतलब एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन समथिंग मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होना जिसको हम लोग डिवोटी बोलते हैं तो डिबॉटी है अडिक्ट है एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन समथिंग तो ये सब हो गया तो सिनेिम अगर इसका पूछ रहा है तो इसका सिनेम क्या हो जाएगा जेंटल तो देखो वैसे भी नहीं होगा फ्रॉड का कोई लेना देना है नहीं एक ही चीज़ बचता है दैट इज अग्रेसिव बी बी इज द करेक्ट आंसर अग्रेसिव ठीक है हाँ फैनेटिक मतलब देखो भाई मैं बता देता हूँ जैसे एक लड़के ने अभी बोला कि फैनेटिक मतलब कट्टर होता है अब हो सकता है कि वो मेरी बात को कहीं और लेकर के चला जाए हिंदी तो उसने बोल दिया जैसे ही हमारे सामने कट्टरता आती है तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिविटी आती है जैसे कोई हिंदू है तो वो अपने मतलब बहुत कहते हैं कट्टर हिंदू है तो कट्टर हिंदू का मतलब ये हो गया कि वो जब भी प्रमोट करेगा वो हिंदू कम्युनिटी ही प्रमोट करेगा किसी और कम्युनिटी को प्रमोट नहीं करेगा ठीक है किसी और धर्म के बारे में नहीं मानेगा किसी हो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो धर्म की इज्जत नहीं करेगा वो मतलब एक मेरा अपना बताने का तरीका है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि उस तरीके से लोग कहते हैं तो कट्टर हिंदू है ये तो मतलब आप अगर किसी पर्टिकुलर चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन समथिंग वही तो कट्टरता होती है अगर आप किसी चीज को लेकर के बिल्कुल अडिक्ट हैं वही तो कट्टरता है अगर आप किसी चीज को लेकर के बिल्कुल डिवोटेड हैं तो वही तो कट्टरता है क्योंकि कट्टर इंसान क्या होता है एक ही चीज में बहुत इंटरेस्टेड होता है किसी भी चीज को लेकर के हो ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा पैनेटिक क्या बता रहा है चलिए आइए अगला देखिएगा नेक्स्ट इमर्स लिखा है भाई इमर्स का मीनिंग अगर जिनको ना पता हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा इसके दो मीनिंग होते हैं दोनों बताऊंगा ठीक है है इमर्स के पहली मीनिंग क्या होती है? और दोनों पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर पहला मीनिंग इसका होता है है अब प्लंज आप कहोगे ये क्या है? मैंने कहा सब -मर्ज. अगर ये भी नहीं आपको पता तो प्लंज हो गया और आपका सबमर्ज हो गया और एक इसका मीनिंग क्या होता है आपने कहा सर दैट इज ड्रेंच डी आर ई एन सी एच ड्रेंच हो गया सबमर्ज हो गया और क्या हो गया आपने कहा प्लंज हो गया और इसकी जो सेकेंड मीनिंग है इमर्स की वो भी ध्यान रखिएगा एक तो इसका होता है अक् दूसरा मीनिंग ठीक है और अक् के साथ एक मीनिंग क्या होता है दैट इज इन्वॉल्व किसी चीज में इन्वॉल्व होना अक् होना अब देखिए एग्जामिनेशन में दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है तो इमर्स मतलब ये भी होता है ये भी होता है जिसको हम लोग बाढ़ नहीं बोलते भाई ठीक है इमर्स मतलब क्या हो गया सबमर्ज हो गया प्लंज हो गया ड्रेंच हो गया बाढ़ वो चीज अब इमर्ज लिखा हुआ है इमर्ज का मतलब तो अपियर होना होता है यानी प्रकट होना होता है डिस्टेंट मतलब दूरी से संबंधित है ये होगा नहीं अनकवर होगा नहीं इन्वॉल्व हो जाएगा यहां पे यानी आपका सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है अगला देखिएगा सी सेट टू मी प्लीज डोंट डिस्टर्ब माय स्टडीज अब इसको हमें बनाना क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दोनों ऑप्शन में करके दे देता है जब कभी भी ऐसे आपके ऑप्शन में देना डायरेक्ट और ऑब्लिक करके इनडायरेक्ट दे, दे दे तो आप समझ जाइएगा आपको पहले तो पढ़ के ये समझना पड़ेगा ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है डायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट बनाइए इनडायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट बनाइए और पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब कभी भी आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा देखने को मिल जाए तो समझ जाएगा करिए ये डायरेक्ट स्पीच है इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो यहाँ पे जैसे प्लीज हमने देखा तो प्लीज़ का रिक्वेस्टेड होगा सजेस्टेड आस्क सेड हमने हटा दिया प्लीज ये यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया अगर मैं एग्जामिनेशन के अंदर हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं पाँच सेकंड भी नहीं दूंगा मैं प्लीज देखूँगा फिर रिक्वेस्ट देखूंगा मैं अपना बी करेक्ट आंसर लगा दूंगा यानी दो सेकेंड में करके निकल जाऊँगा अब आते हैं भाई डिस्पैरट पे डिस्पैरट मतलब क्या होता है एक बार कोई मुझे बताएगा क्या चलिए शुरू करिए स्पीड वगैरह एक बार प्लीज बता दीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को परफेक्ट स्पीड है या तो बहुत तेज तो नहीं हो गर्दन टेढ़ी हो जाती पता है खड़े खड़े करके देखने में देखो इसका मीनिंग क्या होता है पहले मैं वो आपको समझा देता हूँ उसके बाद आगे की बातें हम लोग करेंगे इसका मतलब होता है कंट्रास्ट कंट्रास्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफर डिफर ठीक है यानी कोई चीज जो एक तरीके से कह सकते हैं फ्लैक्चुएट करती फ्लैक्चुएशन होता है वेवरिंग होती है उसे हम कहते हैं तो अब आपसे पूछ रहा है नियरली मोस्ट नियरली द एंटेनिम मोस्ट नियरली द एंटेनिम की बात कर रहा है जरा ध्यान से देखना मोस्ट नियरली द एंटेनिम तो मोस्ट नियरली एंटेनिम इसका क्या हो जाएगा डी देखो अनइक्वल और अनलाइक ये तो सेननीम है ठीक सिमिलर डी सही अगला देखिएगा लिखा है फॉर दैट अनसर्टेनिटी गेट्स टेकन आउट वी विल हैव अ बेटर पिक्चर ऑफ हाउ पीपल विल ट्रेवल आप कह रहा है कि दैट अनसर्टेनिटी गेट्स टेकन आउट अगर मतलब जो अनिश्चितताएं हैं ठीक है मतलब जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं जो अनसर्टेनिटी है अगर उस चीज को हटा दिया जाए ठीक है अगर उन चीज़ों से निजात पा लिया जाए तो वी विल हैव अ बेटर पिक्चर ऑफ हाउ पीपल विल ट्रैवल तो हम एक बेटर पिक्चर देख सकते हैं लोगों को ट्रैवल करने को लेकर के ठीक है मतलब एक बेटर जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि अगर रास्ते में जो गड्ढे हैं अगर वो भर दिए जाएँ ठीक है जो रास्तों में एक तरीके से कह सकते हैं कि सही से नहीं बने हैं अगर वो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर कर लिए जाएँ तो हम एक बेटर पिक्चर ट्रैवलिंग का देख सकते हैं और अगर हम ट्रैफिक से निजात पा जाएँ तो भी एक हम ट्रैवल का बेटर पिक्चर देख सकते हैं तो फॉर दैट अनसर्टेनिटी गेट्स आउट टेकन आउट जो लिखा हुआ है तो ये एक्चुअली सेंटेंस पढ़ के हमें कंडीशन समझ में आ रहा है ठीक है जी ये कंडीशन है कि अगर ये अनसर्टेनिटी से अगर हम निजात पा जाएं तो हम एक बेटर पिक्चर देख सकते हैं दैट इज़ कंडीशन और अगर मैं आपसे कंडीशन की बात करूं तो कंडीशन में ज़रा देखिएगा यहाँ पे बट लिखा है यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नीदर यहाँ पे इफ़ तो पता है आपको ये जो फॉर है एक्चुअली में ये रीजन बताने के लिए ये यूज किया जाता है पहली चीज ये ध्यान रखिएगा रीजन दूसरा हम जब रीजन तब बताएगा जब ये कंजंक्शन के तरीके से काम करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ ठीक है पूरी जानकारी ले लो आप आपके दिमाग में आएगा ना सर ये तो टाइम बताता है ये टाइम तब बताता है जब ये प्रपोजिशन होता है ये रीजन बताता है जब ये कंजंक्शन होता है तो ना तो हमें यहाँ टाइम की जरूरत है ना यहाँ हमें रीजन की जरूरत है हमें दोनों चीजों की जरूरत नहीं है तो हमने इसको तो पहले हटा दिया फिर हमने कहा बट की बात करें अब ये देखो नीदर तो लगेगा नहीं इसको तो हटा दो अगर मैं बट की बात करूँ तो बट तो कंट्रास्ट बताता है हमें कंट्रास्ट भी नहीं जानना है हमें तो कंडीशन जानना है तो कंडीशन के लिए हम इफ लगा देंगे तो जो हमारा पहला हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला देखिएगा प्रोबायोटिक्स आर इसेंशियल टू तो हेल्प ब्रेक डाउन फूड इन वाइटमिनस एंड अमीनो एसिड देखो जी अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये प्रोबायोटिक्स जो लिखा हुआ है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो दैट्स वाई ये प्लूरल वर्ब हो गया यहाँ पे इसेंशियल जो है ये आपका एडजेक्टिव है जो कि इस प्रोबायोटिक्स के लिए लगा हुआ है तो इसे हम टेक्निकली ग्रामर में कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं जैसे हमने बोला राजा इज स्मार्ट तो राजा क्या है स्मार्ट है राजा नाउन है स्मार्ट एडजेक्टिव हो गया तो ये राजा के लिए लिखा गया है तो इसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं तो ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है जो प्रोबायोटिक्स के लिए लगा हुआ है इसेंशियल टू हेल्प नहीं होगा इसेंशियल क्या मैं यहाँ पे बताइए इनटू हेल्प लिख दू इनटू हेल्प ब्रेक डाउन फूड इन वाइटाम आप कहोगे नहीं अगर वहां इनटू लिखोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये देखो वो इसेंशियल है टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ये तो आपका इंफिनेटिव है ठीक है ये तो अपने आप में सही है वहां छेड़खानी मत करिए कभी भी इंफिनिटी को नहीं छेड़ा जाता है वहाँ इंटू या कोई और प्रपोजिशन नहीं लगाया जाता मदद करने के लिए किस चीज़ में मदद करना है आपने कहा आप ब्रेक डाउन करने में ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है ब्रेक डाउन का मतलब डिसइंटीग्रेट होता है यानी विघटन करना टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना ठीक है डिस ब्रेक डाउन क्या करना है ब्रेक डाउन फूड को ब्रेक डाउन करना है किस चीज़ में वैटमिन में अब देखिए कोई अगर फूड को आप ब्रेक डाउन करोगे वैटामिन और अमीनो एसिड में तो उसकी आप स्टेट बदल दोगे है ना किसी और अवस्था से किसी और अवस्था में बदल जाएगा जब हम किसी चीज़ की अवस्था बदल देते हैं जब हम किसी चीज़ की स्टेट बदल देते हैं जब उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन आती है तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन नहीं इंटू लगता है तो इस बात को ध्यान रखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब किसी चीज़ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अगर बदल दिया जाए तो प्रपोजिशन इंटू का प्रयोग करें ठीक है तो वहां पे इंटू हो जाएगा और सही हो जाएगा लैक ऑफ रिसोर्सेज हैज बीन अ पेरेनियल प्रॉब्लम सिंस द बिगिनिंग अब आपसे एंटेनिंग पूछ रहा है इस अंडरलाइन वर्ड का तो सबसे पहले इसकी मीनिंग आपको मैं बता देता हूं इसका जो मीनिंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है दैट इज परपेचुअल परपेचुअल अगर आपको नहीं पता तो ध्यान रखिएगा एवर लास्टिंग अगर आपको एवर लास्टिंग का मतलब भी नहीं पता तो इटरनल लिख लीजिएगा ठीक है इटरनल और इटर एवर लास्टिंग से मिलता जुलता एक शब्द आपने देखा होगा लास्टिंग अगर यह भी नहीं समझ में आया तो सबसे आसान आपके लिए है नेवर एंडिंग यानी जो चीज कभी खत्म ही ना हो परपेचुअल मतलब क्या होता है जो चीज अनवरत चलती रहती है लगातार चलती रहती है जो कभी खत्म नहीं होती है तो परपेचुअल लिख लें एवर लास्टिंग लिख लें इटर्नल लिख लें लास्टिंग लिख लें नेवर एंडिंग लिख लें जो चीज कभी खत्म नहीं होती है अब यहां पे आपने कहा सर देखो कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की जरूरत है ऑप्शन में भी जैसे आपने लिखा है गॉट अब इसका मतलब क्या होता है वेरी थिन बिकॉज ऑफ इलनेस ठीक है वेरी थिन बिकॉज ऑफ इल्नेस जब कोई व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो बीमारी के कारण वो बहुत ज़्यादा पतला दुबला आपको देखने को मिलता है तो उसे हम गॉन्ट बोलते हैं जिसे आप लिखना चाहें तो आप हैगर्ड या ड्रॉन या स्किनी भी लिख सकते हैं ठीक है ठेके? आप अगर लिखना चाहें तो आप इसको हैगर्ड भी लिख सकते हैं आप इसको ड्रॉन भी लिख सकते हैं और आप इसको स्किनी भी लिख सकते हैं आपने देखा होगा ना कुछ व्यक्ति को जो क्या होते हैं बड़े स्किनी होते हैं दुबले पतले होते हैं जैसे बीमारी के नाते बीमारी के नाते वो बहुत पतले हो जाते हैं तो बहुत ऐसा सुखंडी टाइप का नहीं हो जाता इसकी नहीं हो जाएगा ड्रॉन या हैगर ये एच ए डबल जी आर डी है ठीक अब आपने कहा सर हीडियस अब ये बात तो आपको भाई पहले से पता होगी ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं है इसका मतलब तो अगली होता है ना अगली अगली ऑफुल अनप्लेसेंट प्लेजेंट तो ये ध्यान रखिएगा अगली ऑफुलप्लेजेंट अब देखिएगा टेम्परेरी लिखा हुआ है अगर भाई इसका मतलब अनवरत होता है अगर कोई चीज़ अनवरत चल रही है लगातार चल रही तो इसे हम कहीं ना कहीं परमानेंट भी बोल सकते हैं आप लोग ना प्लीज़ वोकेबलरीरी को थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो सीखने की कोशिश करो मतलब रट्टा मारना तो चलो ठीक है लोग मारते भी हैं लेकिन उसको थोड़ा समझ लिया जाए अगर कोई चीज़ एवर लास्टिंग है कोई चीज़ परपेचुअल है कोई चीज़ लगातार चल रही है तो मतलब वो क्या है परमानेंट है वो खत्म ही नहीं हो रही वो परमानेंट है तो इसका उल्टा जो अगर मैं बात करूंगा तो टेम्परेरी हो जाएगा अगर प्रॉपर्टियस की बात मैं अगर करूं यहां पे, तो इसका मीनिंग क्या होता है ऑस्पीसियस होता है फॉर्चुनेट होता है ठीक जिस है जिसको हम शुभ बोलते हैं ऑस्पीसियस लकी और फॉर्चुनेट ये ध्यान रखिएगा ऑस्पीसियस लकी या फॉर्चुनेट आप अगर एक चीज़ नोटिस करो इतना सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर चीज़ क्लियर कर रहा हूँ तीन तीन चार चार वर्ड्स यहाँ पे एक लोग हैं पता नहीं क्या नाम है इनका जेके रॉलिंग प्रीति तुम गुस्सा कम किया करो अब ये अलग कबीर हुए बने बैठे हैं क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का कि मतलब बंदा सही से पढ़ा रहा है उसको बढ़िया से पढ़ लो आगे के एग्जामिनेशन पर थोड़ा फोकस करो नहीं लेकिन प्रीति का गुस्सा है कि नहीं चलो बेटा कबीर इधर देखो प्रीति का क्या है सर को दूसरे से शादी करके चली जाएगी अब यहाँ पे देखो क्या है ये तुम्हारा क्या होता है आपने कहा सर ये एक सिलेंडर टावर होता है सिलेंडर सिलेंडर मतलब स्लिम मैं समझा देता हूँ ये पूछ रहा पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल्सेंग ठीक पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल्सेंग मतलब वो कह रहा है कि आप चर्च के उस भाग को क्या कहते हैं जहां पे घंटी बजती है घंटी बध रहती है उसे हम क्या कहते हैं एक्चुअली मिनारेट तो कहेंगे नहीं क्योंकि ये एक तरीके का सिलेंडर टावर होता है सिलेंडर टावर जैसे आपने आ, मस्जिद देखा होगा ऑबियसली बात है सबने देखा होगा तो मस्जिद में आपने देखा होगा ऐसा है ना सिलेंडर दुबले पतले ऐसे पिलर बना दिए जाते हैं ठीक है इस तरीके से दोनों छोरों पर तो ये जो सिलेंडर टावर होती है ना उसी को मिनारेट बोलते हैं और ये जो आपका चैपल होता है चैपल इसे क्या बोलते हैं ये स्मॉल बिल्डिंग फॉर क्रिश्चियन वर्शिप होता है स्मॉल बिल्डिंग और क्रिश्चियन वर्सिप यानी कहने का मतलब यह हो गया ये क्रिश्चियन वगैरह जहा पे पूजा पाठ करते हैं वो जो स्मॉल छोटा सा बिल्डिंग होता है ना भाई उसे हम चैपल कहते हैं ये बेल्फ्री बेल्फ्री लिखा हुआ ठीक है बेल्फ्री का मतलब क्या होता है द पार्ट ऑफ अ बेल्टावर यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये जो आपका स्पायर लिखा हुआ है ये क्या होता है ये होता है पॉइंटेड कोन सेप ऑन ए टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ठीक है यानी कोई मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पे ये जो टॉप कोन नहीं होता टॉप कोन, पॉइंटेड जो होता है टॉप कोन पॉइंटेड होता है इस तरीके से उसे हम स्पायर कहते हैं पहले बताओ समझे आज बच्चे बहुत कम हैं कहां चले जाते हैं सब कौन है भाई ये हैं जो मैसेज कर रहे हैं बार बार ये हैं अपने राजा सर राजा सर को आप लोग जानते हैं ये पढ़ाते हैं आपके राजा सर करंट अफेयर्स ऑफिशियल करके डालेंगे ये काफ़ी अच्छे टीचर हैं जीके जीएस के बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं कभी आप उनके चैनल पे जाकर के एक बार विजिट करके देखिएगा अमेजिंग ठीक है अगर हो सकता है कुछ लोग पहले से जानते ही हूँ तो यहां पे देखिए बेलफ्री हो जाएगा आपका आंसर अगला देखना मेरे भाई क्या लिखा हुआ है अच्छा जी यहां पे आपको करेक्टली स्पेल्ट बताना है करेक्टली स्पेल्ट में मतलब जो शब्द होते हैं ना यूजुअली इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते लेकिन अगर हम मीन्स की बात करें तो आ भी सकते हैं तो इसको एक एक करके सब कुछ देख लेते हैं ठीक है तो अगर मैं पहले की आप लोगों से बात करूं तो इसमें क्या गलती है यहां पे ना भाई ये जो लिखा हुआ है यहां पर सी लिखना है एक्वेस्ट की स्पेलिंग ये सही हो जाएगी आप सभी लोगों की तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब परमिट हो जाता है इसका मतलब अलाउ हो जाता है इसका मतलब किसी चीज़ को ग्रांट करना यानी मंजूरी देना हो जाता है एडिप्ट का मतलब भाई एक्सपर्ट हो जाता है ठीक है अगर आप किसी चीज़ में अडिप्ट हैं तो मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और अगर मैं एडिपक्वेसी की बात करता हूँ तो यहाँ पे सी होता है और अगर मैं ऑगर की बात करता हूँ तो ये स्पेलिंग अपने आप में सही है लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा ए यू जी यू आर ई -E लिखा है ना ये बिल्कुल अपने आप में सही है लेकिन एस एस सी क्या करती है एस एस सी अपनी जगह पर ऐसे कर देगी ये एसएससी मानती नहीं है इस शब्द को एक्चुअली वो मानती नहीं है तो आप इसको खैर ध्यान रखिएगा ये दोनों शब्द की एक ही मीनिंग होती है आई क्या बोलते हैं उसको अ साइन ऑफ गुड रिजल्ट अ साइन ऑफ गुड रिजल्ट मतलब अच्छे परिणाम का जो एक संकेत होता है ना अ साइन ऑफ गुड रिजल्ट जैसे एसएससी का अपना एक देखो रवैया है आ, दोनों शब्द आ, एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो एक्चुअली ना कुछ शब्द को कंसिडर ही नहीं करती जैसे ए यू जी आर है ये भी है ठीक है ए यू जी आर ये भी है तो दोनों का मतलब वही होता है अ साइन ऑफ गुड रिजल्ट अ साइन ऑफ फ्यूचर इवेंट कोई फ्यूचर में इवेंट होने वाला उसका जो संकेत है उसे ही बोलते हैं ठीक है सर कुमार गौरव सर से करंट अफेयर्स पढ़ेगा पेपर लड़ा देते हैं पेपर लड़ा देते हैं तुम्हारा मुंह नहीं लड़ा देते हैं कहीं पे? <laughs> पेपर चलो नहीं बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो सर मतलब मैं ये नहीं मैं कंपैरिजन मैंने करा ही नहीं ना मैंने मैंने सिर्फ बताया कि सर बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं आप एक बार वहां पे चेक कर सकते हो अगला ये क्वेश्चन यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर से पूछ रहा है अपने से और यहाँ पे आप सभी लोगों को बताना है क्या हो जाएगा ठीक है चलिए एक एक करके शुरू करें पहले बताइए आप सभी लोग राजा सर क्रेजी जी के ट्रिक्स वाले हाँ जी वही वही उन्हीं की बात हो रही थी चलो आंसर दो आंसर दो तो यहाँ पे इसका एक बार आंसर दीजिए देखो एक स्टूडेंट क्या कह रहा है कि कुमार गौरव सर की फिफ्टी के तक वाचिंग जाती है बेस्ट टीचर है बढ़िया है देखो किसी को उससे जज मत करो ना अब उस हिसाब से तो मेरी वाचिंग अभी नए चैनल पे कितनी जा रही है एक सौ सोलह स्टूडेंट देख रहे हैं तो क्या मैं वेकार को तो मान लू तो कहते हैं बबुआ अगर कोई अपने जीवन में सफल ना भयल ना तो एकर मतलब ही ना हो कि ओकरे अंदर योग्यता ना हो सबसे बड़ी जो खामी है हमारे देश की वो ये है कि उसका पैरामीटर ही रिजल्ट है यानी पैसे में सफलता या किसी चीज़ में सक्सेस तो उसको लगता है वो योग्य हो भले योग्य ना हो कभी कभी योग्यता रखने वाले लोगों को भी वो मकाम नहीं मिलता जिसको वो डिजर्व करते हैं समझ रहे हैं आप खैर मिल जाएगा धीरे धीरे तो डेटरेंस की बात करते हैं तो डेटरेंस में क्या होता है डी ई टी यहाँ पे डबल आर होता है डी ई टी ई डबल आर ई एन सी डेटरेंस डेटरेंस मतलब क्या होता है भाई डिसकरेज हम इसको बोल सकते हैं सिंपल सी बात है ठीक है डिसकरेज करना किसी को हतोत्साहित करना अगर मैं डिस की बात करता हूं तो आपको पता है डिसअपॉइंट मतलब होता है किसी को लेट डाउन करना यानी किसी को निराश करना डिसिपेट का मतलब क्या होता है डिस होना यानी वैनिस ये दोनों आपस में क्या हैं? आपने कहा सर ये दोनों आपस में ये सिनेनिम है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं वैनिश बोल सकते हैं यानी गायब वैनिश वैनिश होना ठीक है चलिए आगे देखिए बातें कम अब यहां पे आ जाइए अब यहाँ पे आप जब भी आपके सामने पैरा जंबल आए तो पैरा जंबल में सबसे पहले क्या देखना है आपने कहा सी बात है सर ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन में बाबा देखो एक चीज़ क्या है आपने कहा सर ए है ए है डी है सी है अच्छा एक चीज़ नहीं है बी नहीं है तुरंत काट दो तो, खत्म करो इसको ठीक है अब आप कहोगे अच्छा जी फिर क्या करना है जरा ये भी बता दो मतलब यहाँ तक की तो बात हमें समझ में आ गई अब इसके बाद हम क्या करें मैं देखो एक चीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सो लिखा हुआ है तो सो क्या बताता है आपने कहा सर सो रिजल्ट बताता है अगर ये जैसे सो आपका सो हो गया ठीक है इसको ध्यान रखना काम देगा सो है है दैट्स वाई है दैट्स वाई है ठीक है और आपका सो हेंस दैट्स वाई फाइनली एट लास्ट ठीक है एट द एंड तो ये सब क्या है लास्ट में आते हैं तो यहाँ पे ए वाले को हमने काट दिया देखो डी यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी, भी लो मामला फंस गया अपना अच्छा जी अब बी तो पहले से कटा हुआ था चलो उसको वो तो है ही था, या ए से शुरू होगा या तो सी से शुरू होगा फिर हमने कहा कि दिस बिकम्स ट्रू दिस बिकम्स यह जो है क्या हो जाता है ट्रू अब ये दिस पता नहीं किसके लिए लगा है पता नहीं तो हमारी शुरुआत किससे हो जाएगी ए से हो जाएगी तो हमने ये भी काट दिया अब बात है ए से शुरू तो कर लिया अब ए के बाद बी लिखें या ए के बाद सी लिखें ये मुद्दा है ठीक है अब कोई बताएगा मुझे ए के बाद क्या लिखें ए के बाद बी लिखें या ए के बाद सी लिखें एक ने बताया ए के बाद सी लिखना है अच्छा जी और कोई एनदर अब ऐसे तो नहीं बता सकते पढ़ना पड़ेगा एनदर रीजन पीपल ग्रो अपार्ट इज बिकॉज ऑफ मिसट्रस्ट दिस बिकम्स ट्रू स्पेशली स्पेशन इट कम्स टू द हजबैंड वाइफ रिलेशनशिप अब यहाँ पे देखिए अनदर रीजन बता रहे दूसरा कारण है पीपल ग्रो अपार्ट जो लोगों के अलग होने का इज बिकॉज ऑफ मिसट्रस्ट लोग क्यों अलग होते हैं लोग इस वजह से अलग होते हैं क्योंकि उनका आपस में भरोसा नहीं होता अब इसको यहाँ पे कह रहा है कि दिस बिकम्स ट्रू क्या बिकम ट्रू ये जो बात है दिस बिकम्स ट्रू स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप और ये बात आपको सही साबित होती हुई वहां नजर आती है जहां हम बात करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते की यानी ए के साथ आपका सी हो जाएगा ए के साथ सी जितने हैं सबका सही है ठीक okay, है अगला देखिएगा नेक्स्ट ओके यहां पे कह रहा है चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस यहां पे देखिएगा अब हमें आर्टिकल लगाना है अब आर्टिकल में हम क्या लगाएं ये समझो ट्राइबल पीपल ऑफ़ सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश प्रैक्टिस यूनिक सब कल्चर विच इज ब्यूटी ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म ऑफ इंडिया मैं आपको सिंपल बात बताऊं आप कुछ मत करो द स्पेसिफिक सेंस के लिए यूज किया जाता है स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर होता है जिसे हम लोग इंडिविजुअल भी बोलते हैं यानी अगर हम किसी विशेष चीज को किसी विशेष चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे हम स्पेसिफिक कहते हैं कोई विशेष चीज है स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसके लिए द का यूज़ करते हैं अगर मैं जनरल सेंस की बात करूं तो ए एन का यूज करते हैं यहाँ पे ट्राइबल पीपल की तो बात हो रही है ऑफ सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के कुछ भाग में जो रहने वाले ट्राइबल पीपल होते हैं उनकी बात हो रही है तो जाहिर सी बात है मेरे भाई यहाँ पे ये स्पेसिफिक है तो स्पेसिफिक के लिए क्या हो जाएगा द तो ये वाला हम लोगों ने काट दिया ठीक है आगे बढ़ता है तो लिखा है प्रैक्टिस यूनिक अच्छा यूनिक में क्या है ये कंसोनेंट साउंड है अगर ये कंसोनेंट साउंड है तो इसके लिए हमें अ यूनिक लिखना पड़ेगा और यहाँ पे नो आर्टिकल रिक्वायर्ड दिया गया था ये भी गलत हो गया यहाँ पे अ हो गया ठीक है उसके बाद यह हुआ है सब कल्चर विच इज ब्यूटी विच इज ब्यूटी ऑफ मल्टी मल्टी कल्चरलिज्म ऑफ इंडिया जो खूबसूरती है इंडिया के मल्टी कल्चरलिज्म का तो यहां पे भी स्पेसिफिक है ब्यूटी की तो बात हो रही है लेकिन ब्यूटी की बात हो रही है किसके मल्टी कल्चरलिज्म ऑफ इंडिया के तो स्पेसिफिक सेंस है तो यहां पे भी द हो जाएगा यानी चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ फोर्थ यूनिक के पहले एंड तो है ही नहीं वाह पहले सभी लोग अपने अपने पेन को फ़ोन को नीचे रख दें इनके लिए पहले एक बार ताली हो जाए बेटा देखो नशेबाजी अच्छी बात नहीं है अदरक का जो सेवन है वो कम किया करें बंगाली से दवा लेना बंद कर दें सब कुछ आपका बढ़िया हो जाएगा यहाँ पे एन की तो कोई बात ही नहीं हुई है मैंने आर्टिकल कितनी बार बताया कि एक फ्री फाउंडेशन कोर्स चला रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर आर्टिकल पढ़ा चुका हूँ उसको पढ़ लीजिए पहले हमें जो बताया जाता था ए ई आई ओ यू ये जो वर्बल लेटर्स होते हैं इनके पहले एन लगता है ऐसी कोई बात नहीं ये सब गलत चीजें हैं साउंड से देखा जाता है यूनिक एक कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है दैट्स वाई ए लगेगा ये यूजुअली 99 परसेंट बच्चों को पता होता है तो थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान दीजिए जो फ्री में पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लीजिए दो ढाई हजार खर्च करके क्यों पढ़ना चाहती हैं चीजों को ठीक है आगे बढ़िए अगला देखिएगा यहाँ पे लिखा आई वुड एडवाइस यू टू पैसिफाई मैं तुम्हें सलाह दूंगा टू पैसिफाई योर फादर अपने पिताजी को शांत करो पैसिफाई मतलब क्या होता है पेसीफाई मतलब ट्रैंक्विल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आपने कहा सर काम बोलते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्लेसिड प्लेकेट ये बोलते हैं शांत अपने पिताजी को शांत करो एंड नॉट हिम बाय आर्गुइंग और उन्हें बहस करके ऑफेंड मत करो ठीक है यानी एग्रवेट है इंजर है इंसल्ट है मैं बोलूँगा आपसे ऑफेंड कितने लोग सहमत हैं मुझे बताएंगे क्या ऑफेंड मतलब क्या होता है ऑफेंड मतलब होता है हर्ट समीलिंग ऑफेंड हर्ट क्योंकि हम लोग अपने माँ बाप से लड़ते हैं तो उनकी फीलिंग्स क्या होती है हर्ट होती है भैया हमने पाला है पैदा किया है और ये हम ही से लड़ रहा है तो हर्ट फीलिंग हो जाएगा ठीक है बाकी चीजें अपने आप में सही है अग्र एग्रवेट मतलब क्या होता है अनॉय करना अनॉय इसका मतलब अनॉय करना होता है इसका मतलब इरिटेट करना होता है किसी को ठीक है इसका मतलब किसी को परेशान करना एक तरीके से आप कह सकते हैं बॉडर करना बॉदर इरिटेट अनॉय समझ गए हाँ जी ऑफ एंड ऑफ एंड अगला देखिएगा प्राइस वैरी वेरी मतलब क्या होता है जी वेरी मतलब तो डिफर होता है ना मेरे भाई ठीक है कोई चीज अगर वेरी कर रही है तो वो चीज़ डिफर कर रही है फ्लैक्चुएट कर रही है वेवरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं आप देखो कॉरेस्पॉन्ड शब्द लिखा हुआ है अगर इसकी मीनिंग आपको नहीं पता है तो आप इसकी मीनिंग लिख लो बाकी चीज़ें तो देखो आपको पहले से पता होगी इसका मतलब होता है अकड़ विद अकड़ विद अब आप कहोगे सर ये अकड़ क्या है अकड़ मतलब क्या होता है देखिए जी अकड़ मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है तालमेल तालमेल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आपने कहा जिसे कनकड़ बोला जाता है कनकड़ ठीक है जिसे हम लोग हारमनी बोलते हैं तालमेल सामंजस्य ये चीज हो गया अब आपने कहा सर कोट लिखा हुआ है अब इसका मतलब भी आपको जानना होगा इसका मतलब रिसाइट होता है भाई ठीक है दो मीनिंग इसके होते हैं दो मीनिंग होते हैं दोनों लिख लीजिएगा पहला आप यहाँ रिपीट लिख सकते हैं और आप इसका मीनिंग रिसाइट लिख सकते हैं ठीक है एक इसकी दूसरी मीनिंग और भी होती है किसी को आइडिया है इसकी दूसरी मीनिंग के बारे में इसका दूसरा मीनिंग एक होता है ऑफर ठीक है ऑफर हाँ हार्मनी हार्मनी, ठीक है और अगर आप ऑफर लिख रहे हैं तो एक मीनिंग और भी लिख लीजिएगा तीसरी भी लिख लीजिएगा एस्टिमेट भी कभी कभी देखने को मिल जाएगा एस्टिमेट एस्टिमेट ऑफर रिपीट या रिसाइट ठीक है जी बहुत बढ़िया अगला देखिएगा लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होता है मतलब एक ऐसी सिचुएशन एक ऐसी कंडीशन और यू कैन से एक ऐसा सर्कमस्टांसेस जहां पे लोगों को इक्वल दिया जाता है चांस सक्सेस होने के लिए सफल होने के लिए उसे हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं तो आप कह सकते हो अ फेयर कंपटीशन वेयर नो साइड हैज एन एडवांटेज एक ऐसा फेयर कॉम्पिटिशन जहाँ पे सबको बराबर मौका मिलता है अपनी सफलता को भुनाने के लिए जहाँ पे किसी तरह की कोई भी पार्सियलिटी पक्षपात नहीं किया जाता है ठीक है कोई भी इनजस्टिस जहाँ नहीं होता है अगला देखिएगा इनकेपेबल ऑफ बींग वाइप्ड आउट और इफेस उसे क्या बोलेंगे देखो इनविंसिबल दिया है भाई इनविंसिबल मतलब क्या होता है जिसे हराया ही ना जा सके ठीक है और इन एलिजिबल दिया है एलिजिबल के आगे लगा लगा दिया दिया के आगे इन लगा दिया, लिखा हुआ है अब अगर आप किसी चीज को वाइप आउट नहीं कर सकते इफेस नहीं कर सकते किसी चीज को जब आप मिटाई नहीं सकते हो तो कहने का मतलब क्या हुआ नॉट एबल टू बी चेंज जिसे बदला नहीं जा सकता है ठीक है उसे कहते हैं इन एलिजिबल मतलब क्या होता है अगर एलिजिबल का मतलब क्वालिफाइड होता है तो इसका मतलब अनक्वालिफाइड हो जाएगा आपका ठीक है और अगर इन डेलीबल की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा मेकिंग मार्क्स दैट बी रिमूव मेकिंग मार्क्स दैट कांट बी रिमूव जिसे रिमूव नहीं किया जा सकता देखने में समस्या नहीं हो रही ना किसी को इधर बता देना मुझे तो आंसर क्या हो जाएगा ए नहीं होगा भाई ना 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 देखो मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो गए मैंने क्या बोला है आप देखो इनकेपेबल ऑफ बींग वाइप आउट इफेस जिसे इफेस नहीं किया जा सकता वाइप आउट नहीं किया जा सकता जिसे मिटाया नहीं जा सकता मैं बात यहां कर रहा हूँ रिमूव का आप बात कर रहे हो यहां पे चेंज का अगर मैं बोल दूंगा इमली को आम तो आम बोलोगे मैं बोल हूँ कुएं में कूदो कूदोगे यहां पे देखो नॉट एबल टू बी चेंज हो इरिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल मतलब जो चीज रिवर्स नहीं हो सके जो चीज बदला ना जा सके उसके लिए ये लिखना लेकिन कह रहा है कि मेकिंग मार्क्स दैट कांट बी रिमूव्ड ऐसे मार्क्स जो रिमूव नहीं किए जा सकते वो हो जाएगा ये बुद्धि गए मार अकल गए हरी कहां तक कचपच कचपच करी हाँ पेन्यूरियस पेन्यूरियस बताया नहीं है क्या मैंने बताया होगा बहुत बार बताया होगा भाई यही घुमा फिरा के आएगा इम्पावरिज याद आया डेस्ट्यूट याद आया इंसॉल्वेंट बैंक अरे जो हम लोग हैं गरीब पुअर बैंक इंसॉल्वेंट एस्ट्यूट इम्पावरिज ठीक है जी ये हो गया अब आप कहोगे इसका उल्टा रिच हो जाएगा बाकी चीजें तो होगी नहीं ए इज द करेक्ट आंसर कोई बताएगा मुझे एक्सिलरेट की क्या हो जाएगी मीनिंग मीनिंगेट का हो जाएगा यहाँ पे क्या ई एक्स आई नहीं होता पता है इतना तो क्लियर रखना ई एक्स के बाद एच आता है ये दोनों कट गए चलिए अच्छा ये भी सही है फिर आइए फिर आइए अच्छा यहाँ रेट है यहाँ रेट है यहाँ तक भी सही यहाँ तक भी सही एक मुद्दा गड़बड़ है ये इसका मतलब होता है वेरी हैप्पी बहुत खुश वेरी हैप्पी एक्सेलरेट एक्सेलरेट ठीक है अगला देखिएगा लॉस टेस्ट करेंगे ठीक है आपके लिए एक होमवर्क भी है जो मैंने शुरुआत में दिया था आप सभी लोगों के लिए तो यहाँ पे देखिए द पैसेज आ, कल करते हैं ठीक है पैसेज का एक काम करते हैं इसकी वीडियो आज अलग से अभी बना के रिकॉर्ड करके डाल दूंगा ठीक है जिसमें एक पैसेज रहेगा और आपका एक क्लॉस टेस्ट रहेगा क्या कहते हैं आप सभी लोग एक पैसेज एक क्लॉस टेस्ट ठीक है तो ये अभी करके डाल देता हूं मैं चल अभी थोड़ी देर में इसको करवा के डाल दूंगा सो डोंट वरी एक ये है तुम्हारा ठीक है एक ये है तुम्हारा लेकिन और दूसरा ये है ठीक है ये दो चीज़ें अभी करवा के कर दूंगा चलो थैंक यू सो मच भाई थैंक सलॉट पक्का डाल दूंगा ठीक है पक्का हंड्रेड परसेंट है ये डाल दूंगा और एक चीज आप लोग ये कर लो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके ना अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो इस इसपे आप लोगों के लिए फ्री टेस्ट लेकर के आ रहा हूं मैं ये है ना अपना एप्लीकेशन ये टेलीग्राम चल रही एप्लीकेशन इसको डाउनलोड कर लो जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर के टेस्ट देते हो तो इंग्लिश का एक फ्री टेस्ट मैं डेली दे दूंगा तो एक टेस्ट यहां पे अपना दे सकते हो आराम से ठीक है यहां से पता नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये है ना अपना पंद्रह स्टूडेंट्स ने खैर रिव्यू भी दे दिए हैं इस पर तो ये जा करके यहां से आप लोग इंस्टॉल कर लेना अभी यहां मेरे पे नहीं होगा तो आप लोग यहां से कर लेना ये आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए थैंक यू थैंक यू भाई थैंक यू सो मच टेंशन मतलब डाल दूंगा जो टेस्ट है जो पैसेज है हंड्रेड परसेंट डाल दूंगा आज ही डाल दूंगा एक अलग से वीडियो में उसको देख लेना अपना ठीक है